हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विद्या श्रीवास्तव, वेलकम टू विद्या स्टडी वे क्लासेस। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेलुलर रेस्पिरेशन इन रेस्पिरेशन सीरीज, ठीक है। तो आज हम लोग रेस्पिरेशन के सीरीज में सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेस्पिरेशन चैप्टर में, और रेस्पिरेशन टॉपिक में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। So let's start cellular respiration. Cellular respiration is a set of metabolic reactions occurring inside the cells to convert biochemical energy obtained from the food into a chemical compound called एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो एक सेट ऑफ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस है। सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान बहुत सारे मीन्स 2-3 मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं हमारे सेल्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। वहाँ पे इस प्रोसेस के द्वारा, सेलुलर रेस्पिरेशन के द्वारा क्या होता है, हमारी जो बायोकेमिकल एनर्जी होती है, जैसे ग्लूकोज जो हम अपने फूड से लेते हैं या कार्बोहाइड्रेट, वो एक केमिकल कंपाउंड में टूटती है जिसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान ऐसे ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं जिसमें जो बायोकेमिकल एनर्जी है वो केमिकल कंपाउंड में टूटती है जिसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, और इन शॉर्ट एटीपी कहते हैं। मेटाबोलिज रिफर्स टू अ सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट फॉर मेंटेनिंग द लिविंग स्टेट ऑफ द सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म। दीज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म। तो जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड है मेटाबोलिक रिएक्शंस, तो मेटाबोलिक जो रिएक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, मेटाबोलिक रिएक्शंस जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि हमारे ऑर्गेनिज्म के सेल्स में होते हैं, ऑर्गेनिज्म के सेल्स में परफॉर्म होते हैं टू मेंटेनिंग द लिविंग स्टेट ऑफ द सेल्स, और जिसकी वजह से हमारे जो सेल्स हैं वो लाइव रह पाते हैं और जिंदा रह पाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। और ये टू टाइप्स के होते हैं, कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग मॉलिक्यूल्स टू ऑब्टेन एनर्जी। जो कैटाबोलिज्म रिएक्शन होता है उसमें जो बिग मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एनाबोलिज्म द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग ऑल कंपाउंड्स रिक्वायर्ड बाय द सेल्स। तो एनाबोलिज्म में क्या होता है कि इस प्रोसेस के दौरान ऐसे जो कंपाउंड्स हैं उनको बनाया जाता है, उनको सिंथेसाइज किया जाता है जो कि हमारे सेल्स को जरूरत होती है, जो कि हमारे सेल्स के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। नाउ नेक्स्ट, therefore रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस विच ब्रेक्स लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस रिलीजिंग एनर्जी टू फ्यूल सेलुलर एक्टिविटीज। इस तरीके से जो रेस्पिरेशन है वो हम देख सकते हैं कि वो हमारी कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है, बिकॉज यहाँ पे जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं एज अ फ्यूल फॉर आवर सेल्स, और हमारे सेलुलर एक्टिविटीज में वो एनर्जी यूटिलाइज की जाती है। ग्लाइकोलिसिस, क्रैब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर द इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में जैसे कि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे 2-3 या ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, तो ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं हमारे विद इन द सेल्स वो कौन कौन से हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन के इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं और प्रोसेसेस हैं। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे देख सकते हो आप डायग्राम से समझाया गया है सेलुलर रेस्पिरेशन का। तो फर्दर क्या, सबसे पहले जो होता है वो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है विद इन द सेल्स और माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पे हमारा जो ग्लूकोज है वो पाइरूविक एसिड में कन्वर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो पाइरूविक एसिड में कन्वर्ट होता है, साथ ही साथ हमें 2 ATP मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी रिलीज होती है।
नाउ नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया वो होती है क्रैब साइकिल, जहाँ से CO2 जो है वो सेल से रिलीज हो जाता है और विद इन और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और ड्यूरिंग केमिकल एनर्जी क्या होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में फर्दर जो है वो हमारे बायोकेमिकल कंपाउंड्स मूव होते हैं एंड वहां पे हमें 36 ATP ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है और वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान ये मैकेनिज्म होती है, ठीक है, विद इन द सेल्स विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया, जिससे हमें 36 ATP मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। आई थिंक आप लोगों को सेलुलर रेस्पिरेशन समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट करके मुझे बताना, मैं सॉल्व कर दूंगी। नाउ नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि एटीपी क्या होता है। जो 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन जो बनती है, जिसका फॉर्मेशन होता है हमारे सेल्स में, देखते हैं कि एटीपी क्या होती है। इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। तो किसी भी सेल में जो एनर्जी स्टोर होती है ड्यूरिंग कैटाबॉलिक प्रोसेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, उस एनर्जी को बोलते हैं एटीपी। एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दिस मॉलिक्यूल इज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट रिएक्शन लाइक फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन एटसेट्रा। जो एटीपी है वो बनती कब है, ये मॉलिक्यूल कब बनता है, जब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में हमारे सेल्स में, ठीक है। तो उस प्रोसेस के दौरान एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं और हमारे सेल्स में स्टोर रहते हैं। और जब हमें जो सेलुलर एक्टिविटीज करने की जरूरत होती है या हमें और भी कोई जो एक्टिविटी करने की जरूरत होती है, तो ये जो एनर्जी है एटीपी है जो वो हम यूटिलाइज करते हैं। द थ्री फॉस्फेट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल आर हाई एनर्जी बॉन्ड्स एंड व्हेन दे आर ब्रोकन अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। तो जो जैसा कि यहाँ पे नाम में ही हम लोग देख सकते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ पे थ्री फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो ये थ्री फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स जो है वो थ्री फॉस्फेट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं। और जब ये टूटते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, प्रोड्यूस होती है। Such released energy is then used for other metabolic reactions. और जब ये ATP molecule के ये जो three phosphate bonds टूटते हैं, तो जो large amount of energy निकलती है, उसको हम लोग further other metabolic reactions के लिए use करते हैं। यहाँ पे chemical structure of ATP दे रखा है, ये adenine है, ये राइबोज है एंड ये थ्री हाई फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, हाई एनर्जी बॉन्ड से। तो इस तरीके से आप अपने एग्जाम में जब आंसर देना एटीपी का, तो ये डायग्राम बना दोगे, केमिकल स्ट्रक्चर बना दोगे एटीपी का, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ऑल्सो आपका जो आंसर है वो कम्प्लीट माना जाता है। नाउ नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इन मसल्स का। तो अभी जो हम लोगों ने सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ा, वहां पे ग्लूकोज जो है वो पाइरूविक एसिड में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बट कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो मसल्स में होता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जो कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो जैसे कि जब हम रन करते हैं या दौड़ते हैं तो हमें इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलता है या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो जो ये हमारे जो एनर्जी है, जो ग्लूकोज है, जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, वो कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड में टूटती है, ठीक है। देखते हैं क्या है यहाँ पे। रेस्पिरेशन मसल्स कैन बी एनारोबिक व्हेन देयर इज नॉट इनफ ऑक्सीजन। तो जैसा कि अभी मैंने बताया आप लोगों को कि रेस्पिरेशन जो मसल्स में होती है वो एनारोबिक हो सकती है, क्योंकि वहां पे इनफ ऑक्सीजन नहीं होता है। ग्लूकोज गेट्स ब्रोक डाउन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड ड्यूरिंग
एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है कि जो ग्लूकोज होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड में टूट जाते हैं. दिस रिजल्ट इन द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड दैट मेक्स द मसल सोर. और क्या होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है कि हमारे जो मसल्स हैं उसमें कभी कभी लैक्टिक एसिड जम जाता है, उसका फॉर्मेशन ज्यादा हो जाता है. तो वहां पे क्या होता है कि हमारे जो मसल्स होते हैं वो टाइट हो जाते हैं और पेन करते हैं. दिस टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इज ऑल्सो नोन एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे मसल्स में होता है इसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी कह सकते हैं. तो इस तरीके से आज हम लोगों ने समझा सेलुलर रेस्पिरेशन, एटीपी एंड रेस्पिरेशन इन मसल्स. आई थिंक एग्जाम में आएगा तो आप लोग कर लोगे. नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेस्पिरेशन के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो डू लाइक शेयर एंड कमेंट. Thanks for watching.